दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार से आरंभ हो गई। चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन महाविद्यालय के लाइब्रेरी हॉल में प्रत्याशियों को पर्चा वितरित किया गया। चुनाव प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद के लिए 6, उपाध्यक्ष पद के लिए 5, महामंत्री पद के लिए 5, पुस्तकालय मंत्री के लिए 3 और संकाय प्रतिनिधि के लिए कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए। आपको बताते चलें कि छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के तहत बुधवार की सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक नामांकन पत्र बटेगा। वहीं बुधवार को ही सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्र जमा होगा। इसी क्रम में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी और नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन महाविद्यालय में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चुनाव अधिकारी एसोसिएट प्रोफेसर शशि प्रभा सिंह ने कहा, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में छात्र संघ चुनाव सत्र 2018-19 में आज से चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो गई। आज पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्रों का वितरण किया गया, जिसमें कुल 23 नामांकन पत्र वितरित हुए। अध्यक्ष पद के लिए कुल 6, उपाध्यक्ष के लिए कुल 5, महामंत्री पद के लिए कुल 5, संकाय प्रतिनिधि के लिए कुल 4 एवं पुस्तकालय मंत्री के लिए कुल 3 नामांकन पत्र लिए गए। कल दिनांक 5 सितंबर को भी नामांकन पत्र का वितरण होना है, पूर्वाह्न 10:30 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक। इसके साथ साथ कल ही नामांकन पत्र जमा भी होंगे। समय होगा 10:30 से 3 बजे तक, पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा भी होंगे। उसके पश्चात कल ही नामांकन पत्रों की जांच एवं वापसी भी होगी। उसके लिए समय होगा अपराह्न 3 से 5:30 बजे तक। इसके एक दिन के बाद यानी 6 सितंबर को वैध उम्मीदवारों की सूची पूर्वाह्न 11 बजे तक जारी कर दी जाएगी।